इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है, 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, इतिहास आपने पढ़ा होगा। ओवैसी और उनके नेता अक्सर अपनी सभाओं में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो नए विवाद को जन्म देता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के मुरादाबाद जिले से सामने आया है। इस बार AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सभा कर रहे थे। शौकत अली ने यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद के भोजपुर में आयोजित कार्यक्रम में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी की। प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी का नाम लेकर हमलावर थे। कहा, दानिश अंसारी को उसके द्वारा भेजा गया है जो 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड था। 2500 मुसलमानों का कत्लेआम और अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल करने वालों के द्वारा भेजा हुआ एक तीतर है। वो मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता। पसमानदा मुसलमान एक साहब तो देखा, मैं टीवी पे बोल रहे थे, बोले दानिश आजाद अंसारी हमारे खलीफा है। भाई मैंने कहा ये देखिए, मोदी जी का भेजा हुआ एक नया खलीफा हमारे बीच आ गया। 2002 के दंगे का मास्टरमाइंड, 2500 मुसलमानों का कत्लेआम, अहमदाबाद की सड़कें हमारे खून से लाल हुई, उसका भेजा हुआ एक तीतर मुसलमानों का खलीफा नहीं हो सकता, मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, बीजेपी से कहना चाहते हैं कि 341 पर जो रोग लगी है मजहब की बुनियाद पर, उस रोग को तुम हटा लो तो हम चाहे कि तुम पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत करते हो। लेकिन नहीं, कोई मोहब्बत नहीं करता, हर कोई को मोहब्बत तुम्हारे वोटों से है। तुम डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किए जाते हो और जरूरत खत्म हुई फेंक दिए जाते हो। शौकत अली इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जाने दीजिए इतिहास को, इतिहास बता दो तो लोगों के पेट में तकलीफ होने लगती है और 832 साल कह दो तब भी तकलीफ होने लगती है। याद करिए जब आपको इलाकों को फतह करने के लिए घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दन काटनी पड़ती थी, तब बैलेट नहीं होता था, जिसकी तलवार में ताकत हुआ करती थी वही इलाकों का बादशाह होता था। तब आपने इस भारत पर 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है, तब भी आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन तब आपकी हुकूमत का जज्बा हुआ करता था, आज आपके पास वोट की ताकत है। इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है, 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, इतिहास आपने पढ़ा होगा। हाँ, इतना आपको कहना चाहेंगे कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था, तब बैलेट नहीं हुआ करता था, जिसकी तलवार में ताकत होती थी वही इलाके का बादशाह हुआ करता था। तब आपने इस भारत में 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है, तब भी भारत वर्ष में आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप अकलियत में थे, तब भी आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था। जहाँ तक दानिश अंसारी की बात है, वो मोदी का पाला हुआ बाज है जिसे अपनी ही कौम के लोगों का शिकार करने के लिए रखा गया है। ये पहले AVP में था, वहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई, फिर RSS के ट्रेनिंग कैंप में गए और उसके बाद मंत्री बना दिया गया, क्योंकि भाजपा को विश्वास हो गया है कि अब मुसलमानों का शिकार इसी परिंदे से किया जा सकता है। ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मंच से कांग्रेस पार्टी के प्रमोद कृष्णम की भी चुटकी ली और कहा कि प्रमोद हमारी दाढ़ी पर कटाक्ष करते हैं, जबकि प्रमोद की मूछे तो कुत्ते की पूछ की जैसी है। अभी हाल ही में संभल में भड़काऊ बयान देने के मामले में शौकत अली पर मामला दर्ज किया गया था। उसी क्रम में शौकत अली ने मुरादाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए भड़काऊ बयानबाजी की है। इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है, 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, इतिहास आपने पढ़ा होगा।
We'll be right back.